हेलो एवरीवन, मैं नीरज चतुर्वेदी हूँ। मैंने UPPC से 2019 क्लियर किया है और उसके तहत मुझे नायब तहसीलदार एलोकेट हुआ और नायब तहसीलदार ग्रुप में मेरी तीसरी रैंक है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं अपनी जैसे तैयारी के दौरान मैंने जो जो स्ट्रेटजी अपनाई है, जो जो मेरे ऑप्शनल विषय रहे हैं, मेंस के लिए मैंने क्या किया, प्रीलिम्स स्टेज में मैंने क्या किया, इंटरव्यू लेवल पर मैंने क्या किया, वो सारी स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करूँगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये 3 स्टेज एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है क्लियर करने के लिए। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और दूसरा जनरल स्टडी का पेपर। जनरल स्टडी के पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, वहीं सीसैट के पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। सीसैट के लिए आप बेसिक रीजनिंग पे, बेसिक मैथ पे, जनरल हिंदी पे, जनरल इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आप पास कर जाएंगे आसानी से। जनरल स्टडी का पेपर अपने आप में चैलेंज पेपर है, इसके लिए मैंने एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अपनाई थी, लगातार प्रैक्टिस पर जोर दिया था। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पर बात करना चाहूँगा। हिस्ट्री पार्ट के लिए मैंने बेसिक NCERT पढ़ी थी, इसके साथ रामशरण शर्मा की बुक और सतीश चंद की बुक भी लिया था। आप मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की बुक का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैं सबसे ज़रूरी पॉइंट इसमें जो है कि घटना चक्र की जो बुक है हिस्ट्री के लिए, जो 6 पार्ट में आती है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने बेसिक सोर्स के रूप में NCERT लिया था, नई वाली NCERT। इसके साथ साथ मैंने एटलस का भी सहारा लिया, साथ ही साथ महेश पडवा को मैंने एक रेफरेंस बुक बनाई और घटना चक्र में जो लास्ट ईयर के पेपर दिए उसका मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बार अभ्यास किया। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को एक रेफरेंस बुक मान के चलिए, वो आपका सारा काम कर देगी और तकरीबन 90-95% सारे पेपर्स उससे कवर होते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रीडिंग करिए, साथ ही साथ घटना चक्र की जो पेपर्स हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। इकोनॉमी के लिए मैंने रेफरेंस बुक के रूप में रमेश सिंह का लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लूशन का सहारा ले सकते हैं, बिल्कुल कम से कम वर्ड्स में सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। उसके साथ साथ घटना चक्र का पेपर लगाइए। कुछ बेसिक के लिए आप NCERT भी 11th-12th की देख सकते हैं। आप करंट अफेयर जो एक मेजर पार्ट कवर करता है, इसके लिए आप न्यूज़ पेपर्स पढ़िए। हिंदी इंग्लिश कोई भी एक पढ़ सकते हैं, कोई इसके लिए बहुत नहीं कि आप बड़े पेपर्स पढ़िए, द हिंदू पढ़िए या क्या पढ़िए, लेकिन आप कोई भी एक न्यूज़ पेपर अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन एग्ज़ाम के पहले जो एक बुक आती है घटना चक्र की स्पेशल, उसको अच्छे से पढ़िए, वो एक बड़ा पार्ट करंट अफेयर कवर करती है। इसके साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक और कोई भी रेफरेंस बुक लेके करंट अफेयर्स ही पढ़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर कर दी है, इसी को आप एक मान के आप पढ़ सकते हैं। आपकी दूसरी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, हो सकता है वो अच्छी हो सकती है, लेकिन मैंने जो फॉलो किया आपको बताया। देखिए दोस्तों, मैं मेंस के बारे में आपसे बात करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेंस में GS के 4 पेपर हैं। पूरी तरीके से UPSC के पैटर्न पर UPPCS का मेंस है। ऑप्शनल का एक पेपर है 400 मार्क्स का, AC का एक पेपर है 150 मार्क्स का, हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का है। GS 1, 2, 3, 4 तीनों को मैंने इंटीग्रेटेड फॉर्म में तैयार किया था। GS 1 चूँकि हिस्ट्री का मेजर पार्ट कवर करता है और मैं हिस्ट्री से मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी जो रेफरेंस बुक थी जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बताई थी, वही मैंने बुक्स उठाई और लास्ट ईयर के क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बार क्लियर किया। इसके साथ साथ पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग फोकस किया। पेपर 4 के लिए मैंने बड़ी किसी बुक का सहारा नहीं लिया, मेरे एक फ्रेंड है अमनदीप, उनकी जो नोट्स थी UPSC के दौरान, मैंने उसी को बार बार रिकॉल किया और पेपर 4 मैंने पूरा उसी से किया था। पेपर 3 के लिए भी मैंने उन्हीं की नोट से पढ़ा था। ऑप्शनल क्योंकि मैं बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, मेरे लिए बड़ा चैलेंज नहीं था हिस्ट्री ऑप्शनल, क्योंकि हिस्ट्री मेरा रिसर्च का सब्जेक्ट भी है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ रेफरेंस बुक ली थी, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे रामशरण शर्मा ने लिया था, बलियान सर के नोट्स मैंने यूज़ किए थे, इग्नू के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक मैंने पढ़े थे, साथ ही साथ विपिन चंद्रा की बुक भी मैंने ली थी और पब्लिकेशन डिवीजन की बुक भी मैंने ली थी। ज़्यादा से ज़्यादा बार मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन को लगाया था, इवन दैट 3 times मैंने पूरे आंसर्स को लिखा था। ऐसे के लिए मैंने 15-20 ऐसे एक महीने मैंने जो कैलेंडर मंथ मान के उसको लिखा था। हिंदी के लिए मैं एवरी संडे हिंदी पे काम करता था। इंटरव्यू के लिए भी मैंने मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी पे काम की थी, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो UPSC में सेलेक्टेड थे। इवन जैसा कि मैंने पहले डिस्क्लोज किया कि मिस्टर अमनदीप और मेरे एक दो और फ्रेंड जो थे, उनके माध्यम से मैंने ऐसे इंटरव्यू पर मैंने काम किया और कुछ इंटरव्यू में अपने फैमिली मेम्बर के साथ ही मैंने डिस्कस किया। और मेनली अपने आप को इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी का जजमेंट होता है, कोई भी नॉलेज का जजमेंट नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। अगर आप पर्सनालिटी अच्छे से आपकी झलकती है, लगता है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप रखते हैं, तो आपको ज़रूर लेंगे। मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि अपने आप ओपन करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव अप्रोचेस के साथ प्रेजेंट करिए, इंटरव्यू में आप अच्छा करेंगे। हाँ दोस्तों, मैंने अपनी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की जर्नी आपसे शेयर की है। आशा करता हूँ आपके लिए कुछ एडवांटेजेस ये रहेगी। हो सकता है आपके पास इससे अच्छी स्ट्रेटजी हो, आप उसे उपयोग कर सकते हैं।
और मेरी आपके लिए शुभकामना है कि आप भी जो भी लोग तैयारी कर रहे हों जल्दी से जल्दी आपके लिए सुखद समाचार मिले और आप अंतिम परिणाम में सम्मिलित हों। धन्यवाद दिल्ली नॉलेज ट्रैक और आप सभी लोगों को।